भगवान राम या रामायण के नाम पर कोई संग्रहालय बनने का पहला प्रयास साल 1966 में हुआ था। मतलब भगवान राम के जीवन पर आधारित किसी संग्रहालय की योजना भाजपा की सरकार ने नहीं बल्कि सपा की सरकार ने बनवाई थी। पहले जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय अयोध्या से 10 किलोमीटर के भीतर बनना तय हुआ था और जिसके लिए 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, वो अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय अब अयोध्या से 64 किलोमीटर दूर लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर बनना तय हुआ था। अयोध्या वाले 2017 वाले अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से 225 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, उसका भी क्या हुआ कुछ पता नहीं। ये 2.5 एकड़ और 7 करोड़ रुपए 2016 के अखिलेश यादव की सरकार के रामायण संग्रहालय के 25 एकड़ जमीन और 85 करोड़ रुपए के फंड के सामने बहुत कम है। अब 2016 या 2017 वाला या फिर 2021 वाला रामायण संग्रहालय तो आज तक बनकर तैयार नहीं, तो अब देखते हैं कि ये 2023 वाला रामायण संग्रहालय कब बनकर के तैयार होता है। पिछले हफ्ते से एक खबर आ रही है कि अयोध्या में भगवान राम के जीवन पर एक वैक्स म्यूजियम मतलब कि मोम के पुतलों का संग्रहालय बनाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम के जीवन पर बनने वाले संग्रहालय की यह तीसरी योजना है। एक साल 2016 में हुआ था, दूसरा 2017 में और दूसरा ही प्रोजेक्ट फिर से 2021 में नए सिरे से घोषित किया गया था और तीसरा 2023 में वैक्स म्यूजियम। हालांकि अभी तक इन तीनों में से एक भी संग्रहालय बनकर के तैयार नहीं हुआ है और शायद कभी बनकर तैयार भी ना हो। भगवान राम के जीवन पर आधारित इन संग्रहालयों को बनवाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, ये बताएगा आज न्यूज हंटर्स। भगवान राम या रामायण के नाम पर कोई संग्रहालय बनने का पहला प्रयास साल 1966 में हुआ था, जब मध्य प्रदेश के सतना जिले के जंगलों में मानस संग्रामक एक संस्था जो कि हनुमान के नाम पर पंजीकृत थी, वो सतना रेवा हाईवे पर एक विंध्या के जंगलों में पत्थरों पर रामायण की कहानी उकेरने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस योजना में भारत सरकार या फिर वहां की मध्य प्रदेश सरकार का कहीं कोई योगदान नहीं था, वो एक निजी तौर पर यह काम किया जा रहा था। राज्य या केंद्र सरकार द्वारा भगवान राम के जीवन पर बनाने वाली किसी भी तरह के संग्रहालय की बनने की घोषणा सबसे पहले साल 2016 में हुआ था, जब रामायण सर्किट प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवान राम के जीवन को प्रदर्शित करने के लिए 85.34 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट का आग्रह किया था केंद्र सरकार से। लेकिन उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि वो संग्रहालय होगा या आर्ट गैलरी होगा या फिर कुछ और होगा, लेकिन यह तय था कि वो भगवान राम के जीवन पे आधारित कुछ ना कुछ प्रदर्शनी होगा। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी बल्कि उस समय सपा की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मतलब भगवान राम के जीवन पर आधारित किसी संग्रहालय की योजना भाजपा की सरकार ने नहीं बल्कि सपा की सरकार ने बनवाई थी पहली योजना। और ये जानकारी मनगढ़ंत नहीं है बल्कि 28 नवंबर 2016 को गोपालगंज के बिहार के ही गोपालगंज के भाजपा सांसद जनक राम द्वारा पूछे गए लोकसभा में एक सवाल के जवाब में देश की संसद में ये जानकारी दी गई थी। उस समय ये राजनीतिक मुद्दा बन गया था क्योंकि अखिलेश सरकार द्वारा रामायण संग्रहालय बनाने की घोषणा करने के कुछ ही महीने बाद अक्टूबर 2016 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने यह जनता से वादा किया, घोषणा किया कि अगर उत्तर प्रदेश में जनता उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जितवाती है तो उनकी सरकार यानी कि भाजपा की सरकार अयोध्या में रामायण इंटरनेशनल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर बनवाएगी। इस पर जवाब में सपा नेता ये बताने लगे कि उनकी अखिलेश कुमार की सरकार तो पहले से ही अयोध्या में रामायण संग्रहालय बनाने की घोषणा कर चुकी है, तो इसमें कौन सी नई बात है जो भाजपा वादा कर रही है। लेकिन इस सच्चाई के बावजूद फरवरी 2017 में उत्तर प्रदेश के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिलती है। योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के एक महीने के भीतर मार्च 2017 में योगी सरकार ने अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय बनाने की घोषणा भी कर दी और उसके लिए 20 एकड़ जमीन भी आवंटित कर दिया। केंद्र सरकार ने इसके लिए 225 करोड़ रुपए का फंड यानी कि अनुदान भी स्वीकृत कर दिया और यह भी कह दिया केंद्र सरकार ने कि 18 महीने के भीतर ये योजना पूरी हो जानी चाहिए, संग्रहालय बनके तैयार हो जाना चाहिए।
इस काम को पूरा करने। उत्तर प्रदेश का विपक्ष ने फिर से हल्ला किया कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय का निर्माण इस आपाधापी में 2019 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। 2019 का चुनाव खत्म भी हो गया, दोबारा भाजपा की मोदी सरकार भी बन गई केंद्र में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय का निर्माण शुरू तक नहीं किया गया था। जनवरी फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव होना तय था, इसलिए 2021 में अयोध्या के इस 2016 से प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय के चर्चे फिर से शुरू हो गए। लेकिन इस बार योजना में कुछ बदलाव किया गया ताकि कुछ नया सर। पहले जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय अयोध्या से 10 किलोमीटर के भीतर बनना तय हुआ था और जिसके लिए 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, वो अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय अब अयोध्या से 64 किलोमीटर दूर लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर बनना तय हुआ था। फिर से दोबारा जमीन का आवंटन शुरू हुआ, नया प्रोजेक्ट बनाया गया, लेकिन पिछला प्रोजेक्ट जो अयोध्या से मात्र 10 किलोमीटर के भीतर बनना था, उसका क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं। अयोध्या वाले 2017 वाले अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से 225 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, उसका भी क्या हुआ कुछ पता नहीं। 2017 वाला प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय 25 वर्ग किलोमीटर में बनना तय था और 2021 वाला नया प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय मात्र 10,010 वर्ग किलोमीटर में बनना तय हुआ। राम मंदिर के साथ रामायण संग्रहालय प्रोजेक्ट के सहारे साल 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से वापस आई, दूसरी बार सरकार बनी। मीडिया में फिर से इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय की खबर खूब चली, लेकिन संग्रहालय का निर्माण का कार्य कभी पूरा नहीं हुआ, कभी शुरू भी नहीं हुआ। अगस्त 2023 तक इस नए प्रस्तावित संग्रहालय के लिए जमीन तक आवंटित नहीं किया गया था। अब 2023 में फिर से अयोध्या में एक बार फिर से नया रामायण संग्रहालय बनाने का चर्चा चल पड़ा है, लेकिन दो पुराने संग्रहालय जिसकी योजना 2016, 2017, 2021 में पहले ही बन चुकी थी, उसका कोई अता पता नहीं है। अब ये तीसरा संग्रहालय कब बनकर तैयार होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इस नए रामायण संग्रहालय यानी कि जो वैक्स म्यूजियम बन रहा है उसके ठेकेदार या कह सकते हैं उनके कलाकार सुनील कंडुलर इसके निर्माण के में हो रहे विलंब को लेकर के परेशान है। वो बार बार स्थानीय प्रशासन पर प्रोजेक्ट को डिले करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके कलाकार सुनील पहले भी नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, शरद पवार, अन्ना हजारे, बाल ठाकरे, रजनीकांत और एमजी रामचंद्रन जैसे लोगों का पुतला बना चुके हैं। योजना के अनुसार ये गोम का संग्रहालय अप्रैल मई 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए। इस संग्रहालय में लगभग 100 मोम के पुतले होंगे जो रामायण के 30 से 35 घटनाओं को चित्रित करने का प्रयास करेंगे, जिसमें से सीता का स्वयंवर शामिल है, उसमें राम और सीता का वनवास, लंका का दहन, इस तरह के घटनाएं शामिल है। ये संग्रहालय मात्र 2.5 एकड़ जमीन में बन रही है जिसका कुल लागत मात्र 7 करोड़ रुपए है। ये 2.5 एकड़ और 7 करोड़ रुपए 2016 के अखिलेश यादव के सरकार के रामायण संग्रहालय के 25 एकड़ जमीन और 85 करोड़ रुपए के फंड के सामने बहुत कम है, ये आप भी कह सकते हैं। और ये योगी जी के द्वारा 2017 और 2021 में घोषित 10 एकड़ जमीन पर 25 करोड़ रुपए के फंड के सामने बहुत कम है। अब 2016 या 2017 वाला या फिर 2021 वाला रामायण संग्रहालय तो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो आप देखते हैं कि ये 2023 वाला रामायण संग्रहालय कब बनकर तैयार होता है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज हंटर्स, खबर से बढ़कर खबर के पीछे की खबर।